हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपने लिखने में पेन का और पेंसिल का यूज़ करते हो। कभी आपने सुना कि पेंसिल बनती कैसे है? तो आज हम पेंसिल कैसे बनती है वो पेंसिल के ही जुबानी सुनेंगे। तो स्टार्ट करें कि पेंसिल क्या कह रही है अपने बारे में। ओके प्यारे बच्चों, मैं हूँ पेंसिल। वही पेंसिल जिससे आप लिखते हो, चित्र बनाते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं मैं कैसे कहाँ बनी? तो आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊँ। वर्ष 1564 की है बात। इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान आया। तेज आंधी चल रही थी। बोरोडेल नाम का एक स्थान पर एक पेड़ जड़ से उखड़ गया। तूफान के थमने पर जब एक किसान ने उस पेड़ को के पास गया तो उसने देखा कि उसके नीचे से काले रंग का पदार्थ निकल कर आया है। कौतूहलवश उसने उस पदार्थ को थोड़ा सा लिया और अपने हाथ में मसल लिया। उसने पाया यह काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता जो पानी के धोने से भी नहीं निकलता। आसपास के किसानों ने अपनी भेड़ों की पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इस काले पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये काला पदार्थ और कुछ नहीं, ग्रेफाइट था, जिसे आप मेरी आत्मा कह सकते हैं। बोरोडेल में मिला ये ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था। बाद में लोगों को यह विचार आया, क्यों न इसका प्रयोग कागज पर लिखने के लिए किया जाए। उन्होंने इसे काट कर लंबी पतली छड़ बना ली। 1565 ईस्वी तक लिखने वाली यह छड़ लंदन के बाजारों में बिकने लगी। मेरा यह सबसे पहला और पुराना रूप है। यद्यपि इसमें पहले ग्रीस और रोम वासियों द्वारा एक अन्य धातु लेड का इस्तेमाल भी लिखने के लिए किया जाने के लिए प्रमाण मिलते हैं। ग्रीस और रोम वासी लेड की छड़ पर प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। आज भी लेड की बनी पेंसिलें का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक बोरोडेल में से ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, लोग इसकी छड़े काट काट कर पेंसिलों के रूप में बेचते रहे। ग्रेफाइट को की इन छड़ों को हाथ में पकड़ कर लिखने से उनकी उंगलियां काली पड़ जाती थी, क्योंकि ग्रेफाइट काला होता है तो काली पड़ जाती थी। उन्हें इन छड़ पर खोल चढ़ाने की सूझी, जो लकड़ी का कवर अभी आता है मुझ पे, सबसे पहले इन छड़ों को धातु के बने खोलों में रखा गया, पर भारी होने और छीले न जाने के कारण यह धातुओं के खोल अधिक समय तक प्रचलित नहीं रहे। 1968 ईस्वी में आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उनको आधुनिक रूप दिया गया। 18वीं सदी के अंत तक बोरोडेल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगे। तब ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि यदि कोई और विकल्प ना खोजा गया तो पेंसिल का जल्द ही अकाल पड़ जाएगा। ग्रेफाइट की बचत के उपयोग खोजे जाने लगे। लगभग उसी समय जैक्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने यह बताया कि ग्रेफाइट को अन्य धातुओं वस्तुओं के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ मिलाए जाने के बावजूद इसके लिखने वाले गुण में कोई कमी नहीं आती। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को एक चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया, छड़ों के रूप में ढाला और हल्की आग से पकाया। उन्होंने पाया यह मसाला भी उतना ही बढ़िया लिखता है जितना कि शुद्ध ग्रेफाइट। यही शुरुआत थी आधुनिक पेंसिल के लेड की। 1839 ईस्वी में जर्मनी में एक और महत्वपूर्ण खोज हुई। जॉन लॉथर वॉन फेबर नामक व्यक्ति ने सांचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट मिट्टी की लेई भरी। सूखने पर उसे निकाला और काट कर लकड़ी के अदस्तों में के बीच में दबाया। इससे पहले पेंसिल का लेड समान मोटाई का नहीं होता था। वॉन फेबर ने पहली बार समान मोटाई वाला लिड बनाया। बाद में वॉन फेबर ने एक और खोज की। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को
न केवल छील कर सुंदर बनाया जा सके, बल्कि उनके बीच में लड़ को रखने के लिए लड़ के ही आकार की एक नली भी रखी जा सके। अच्छे आकार और मोटाई की लड़ वाली यह पहली पेंसिल थी। इसके बाद पेंसिल के निर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज और हुई। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लगभग अलग अलग कठोरता की लेड वाली पेंसिल बनाई जाने लगी। लेड की कठोरता ग्रेफाइट और तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती थी। ग्रेफाइट लेड को नरम बनाता है और मिट्टी कड़ा। ठीक है, लेड में ग्रेफाइट का एक अंश जितना अधिक होगा उतना ही नरम होगा, मिट्टी का अंश जितना बढ़ेगा वो उतना ही कड़ा होता चला जाएगा। जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उस पर अंग्रेजी के दो अक्षर HB लिखे रहते हैं, यह इस बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड न तो बहुत कोमल है और न ही कड़ा। H का सूचक है कड़ेपन का और B का मतलब है कोमल का। तो लेड में जैसे जैसे मिट्टी का अनुपात बढ़ता जाता है वैसे वह कड़ा होता जाता है। बढ़ते हुए कड़ेपन को H के आगे लिखी बढ़ती हुई संख्या से सूचित किया जाता है, यानी H2, H4, H6 आदि। ठीक उसी तरह लेड की कोमलता को आगे बढ़ाते हुए क्रम लिखा जाता है, B1, B4, B6 द्वारा सूचित किया जाता है। मैं आप तक इन रूपों में कैसे पहुंचती हूँ, आइए इसके बारे में और बताऊँ। पहले बनती है पेंसिल की नली। नली को दो समान आकार के लकड़ी के अद्धों में से बनती है। अद्धों में मशीन के खांचे बनाए जाते हैं जिसमें लेड भरा जाता है। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को धातु की नली में डालकर लेड तैयार किया जाता है। इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार का काटा जाता है। एक मोमिया मिश्रण में लेड को लपेट कर लकड़ी के अद्धों के खांचे में रख दिया जाता है। दूसरे अद्धे को के भीतरी हिस्से पर चिपकाने वाले पदार्थ लगाकर पहले अद्धे के ऊपर रख दिया जाता है और दबा दिया जाता है। चिपक और सूख जाने पर मशीनों द्वारा यह पेंसिलों को अलग-अलग काट लिया जाता है। पेंसिल का रंग किया जाता है और निर्माता कंपनी का नाम व लेड के कड़े तथा नरम होने का संकेत छापा जाता है। फिर डिब्बों में बंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। बाजार में पेंसिल अपने हाथ आपके हाथों तक पहुंचती है। इसी पेंसिल से आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। मुझे बनाने में लगी मेहनत को जानकर शायद अब आपको बेवजह पेंसिल नहीं छीलेंगे ना। तो अभी आपने सुनी पेंसिल की कहानी उसी की जुबानी। तो अब बेवजह पेंसिल मत छीनना, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये पेंसिल बनती है। ओके बाय, आपका दिन शुभ रहे।